मॉर्निंग क्लास, आई एम आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भारती। ओके, मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आपके हेल्प के लिए, रोज़ के लिए, क्योंकि क्लास में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है ना। सी, ये मेरे पास स्ट्रॉ है, आप पेंसिल भी ले सकते हो, जैसे मैंने ये पेंसिल के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है, बट मैं आपको दोबारा से स्टार्टिंग करके बता रही हूँ। पहले हमें ये अपना जो एक कटिंग मैंने आपको ऐसे बोला था करने के लिए, इसको पूरा ऐसे राउंड करके शेप निकाल लो, ऐसे शेप निकाल लो, पूरा राउंड कर दो, ठीक है। उसके बाद इसको अगेन पूरा खोल करके अब यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे, स्ट्रॉ के ऊपर भी लगाना है, वहाँ पर लगाना है स्ट्रॉ, पेंसिल, स्टिक, जो भी आपके पास है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। और ये देखो, पूरा फेविकोल लगा देना है, फेविकॉल जितना कम लगेगा उतना अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ऐसे करो, ऐसे करो, पूरा आप इसके ऊपर इसको राउंड राउंड करके ठीक है। थोड़ा सा गैप जो आएगा ना, वो फेविकोल अपने आप उसको कवर कर लेगा। यहाँ से प्रेस कर दो, अच्छे से प्रेस कर दो, और कोशिश करो ये आपका चिपक जाए अच्छे से, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसको रख देंगे साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप, हमने पहले, मैं आपको एक चीज़ और करके बता देती हूँ, मैंने ये राउंड कैसे किए हैं। ये लिया आपका फ्लावर जो आपने कटिंग की है, उसको या तो आप पेंसिल से या फिर किसी भी ब्रश से, ब्रश भी ले सकते हैं ऐसे राउंड करने के लिए, ठीक है, ये राउंड हो गया, या फिर आप पेंसिल भी ले सकते हैं ऐसे राउंड करने के लिए, ठीक है, क्लियर। एक बार और बता देती हूँ, ये मेरा, ठीक है, ऐसे करके ओके पूरा राउंड कर लेना है। अब क्या करना है, इसी को ये वाला सेंटर तक कट करना है। ये देखो मैंने कट कर लिया, कटिंग कर ली, देखो हो गया, इसको अंदर में कर लो। अब क्या करना है, यहां पर फेविकोल लगाओ, यहां पर फेविकोल लगाओ, यहाँ पर फेविकोल लगाओ, यहाँ पर लगा दो। और अब ये जो हमारा था यहाँ पर, देखो स्ट्रॉ के ऊपर भी मैंने लगा दिया और ये इसके ऊपर भी लगा दिया, लगा दिया। अब इसको इसके अंदर ऐसे करके रैप कर दो, बस इसको किसी भी तरह से इसके अंदर अच्छे से राउंड कर दो, लगा दो, और वहाँ पर इसको ये देखो बस इसको एडजस्ट करना है, आपको किसी भी तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर फेविकॉल नहीं है, यहाँ पर लगा देती हूँ इसको, बस यहाँ पर किसी भी तरह से आपने एडजस्ट करना है। ये देखो आपकी फ्लावर की शेप, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से इसको अच्छे से प्रेस करते जाओ, बाहर अच्छे से टाइटली प्रेस करते जाओ, ये प्रेस करते जाओ, हो गया, हो गया, आप लोगों के सामने ही है ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास कितने थे, 5 या 6 हमने कटिंग्स की थी, 5 या 6 कटिंग्स हमारी रेड के साथ ही और 1 हमारी ग्रीन के साथ ही, ठीक है। अब सेंटर में इसको हमें प्लस में कटिंग करनी है, इसका हमें कट करना है ऐसे प्लस में। तो कैसे करेंगे, पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और ये कट, देन इसको आप वापस खोलेंगे, फिर दूसरे डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे, जो हमने प्लस का मार्क किया था उसी के ऊपर कट करना है। कटिंग हो गई और पूरा अच्छे से नजर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर फेविकोल लगा दो, यहाँ पर फेविकोल लगा दो, और अपना स्टिक इसके अंदर से घुसाओ, घुसाओ, और ये हमारा यहाँ पर जाकर, टिप पर जाकर इसको यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, देखो एक जस्ट से, ये देखो, ठीक है। अब जितनी भी पेटल्स हैं उनको सेम ऐसे ही हम लगाते जाएंगे, ठीक है। सेंटर से प्लस की उसमें मार्किंग में कट कर लेंगे, हम ऑलरेडी 2 लगा चुके हैं, 3, 3, 4 एंड 5। ये मैंने यहाँ से कट किया, प्लस जरूर कट करना, फाड़ना नहीं, ठीक है। अगेन प्लस कटिंग करना और
प्लस कटिंग करना, सेम ऐसे ही ग्रीन को भी करना है, सेम ऐसे ही ग्रीन को भी करना है, ठीक है। और आप सभी पेटल्स को इसके अंदर फेविकोल लगा के डालते जाओ। ग्रीन वाला सबसे लास्ट में डलेगा, ग्रीन वाला सबसे लास्ट में डालेंगे, ठीक है ये, ओके। अब डालेंगे इसके अंदर, ये देखो, हो गया। अब एक नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट ये हमारा रेडी, ठीक है। आया मजा? ये देखो सेम अच्छे से, क्योंकि ऊपर से भी ऐसे करोगे नीचे से पकड़ने में ना आसानी होती है, तो ऐसे प्रेस करोगे। अब नेक्स्ट ग्रीन, सबसे लास्ट में ग्रीन, ग्रीन को भी राउंड करोगे तो अच्छा है। मैं नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, बट ठीक है, मैं अभी लगे लगे में ही कर दूंगी। ये हमारा फाइनल फ्लावर है।